ये देखो सारी जो दुकानें है ना आगे तक पूरी मतलब टायरों की है, टायर अपना पूरा निकल चुका है यहाँ पे। ये रही टायर की दुकान, ये जेके है वो वाला पूरा गाइस जेके वाला ले लिया, जेके वाला पड़ रहा है, लोग अच्छी आएगी ऐसे भी बढ़िया सारी चीज़ों के। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो आप बहुत दिनों से मैं कह रहा था कि टायर गंजा हो रखा है अपनी एक्टिवा का, पूरा ख़राब हो गया है उसे। अब मतलब पिंचर एक दो बार मैंने लगवा चुका हूँ, पिंचर हो रही है बार बार, तो चेंज कराने का टाइम आ गया है। और जो कि मैं पिछले व्लॉग में कह भी रहा हूँ, तो अभी चलते हैं ज्योति मार्केट साइड चलेंगे, उससे पहले है एक मार्केट, तो मतलब वहाँ पर बाइकों की तो देखते हैं कौन सी कंपनी का सही है। मैं वैसे सीएट का सोच रहा हूँ, पर और देखेंगे कौन सा सही है, कौन सा सही पड़ता है, तो वो लगवाएंगे। एक बार गाइस टायर डलवाने से पहले पिछला दिखा देता हूँ, ये देखो पूरा घिस गया है, ये पूरा देख रहे हो, ये लाइनें बट गई हैं, पूरा ख़त्म ही हो गया। मतलब कुछ टाइम में ये इसमें और पिंचर हो गए, टायर ही फट जाएगा। तो ये रही टायर की दुकान, इस पर अभी टायर दिखाता हूँ आपको एक्टिवा की कौन सी कंपनी के। अभी टायर देखते हैं, यहाँ देखो टायर ही टायर है इसी दुकान में, अपोलो के टायर है। एक ही कंपनी के क्या सारे? एक ही कंपनी के नहीं, अपोलो मिल जाएगा, जेके मिल जाएगा, सीएट मिल जाएगा। जेके और सी एट दे देता। ये जेके है, ये जेके है वो वाला आपको। क्या फर्क है दोनों में? अपोलो जेके, आई थिंक जेके साइड भी अच्छी है। मंगा कह रहे जेके ले लें, हाँ जेके लग तो ऐसे लग रहा था, पर प्राइस पूछते जेके का कितना है उसका? 950। अच्छा गाइस जेके वाला ले लिया, जेके वाला पड़ रहा है 1100 का, और ये सी एच वाला है ये भी 1100 का है, अपोलो वाला 1200 का है, पर जो जेके वाला है वो अच्छा लग रहा है, वो दिखाता हूँ आपको। इसका जो ये है ना ये वाला चीज़ ये अच्छी लग रही है, समझ रहे? और फिर अगले वाला अभी तो सही है मेरा, अब वो सही हो जाएगा अगर मतलब तब उसमें भी सी एच डलवा लेंगे तो थोड़ी लुक अच्छी आएगी। ऐसे कुछ है नहीं लुक पे एक्टिवा है, पर तब भी थोड़ा सही लगेगा। तो गाइस पुराने वाला टायर अपना पूरा निकल चुका है यहाँ पे यार, टूटी लगेगा। टूटी टूटी कौन सी? हवा भरन वाला आपका भाई, लट्टी वाला है वो, उसके कितने पैसे हैं? 50 रुपये। अरे वो ऐसे ही लगाएगा तेरा सेठ, इतने सारे दे रहे, 1 रुपया भी कम नहीं कर रहा, तो उसके भी अलग देंगे भाई। ये भी तुम्हारे पास ही आए हैं, कहीं घूमे नहीं है हम। इसमें का ट्यूब है तो इसमें से ट्यूब निकल गया, इसमें दूसरा डलेगा ना नोजल, तो उसके लिए भी खरीदना पड़ता है वो 50 रुपये का, लेकिन तो वो हम फ्री में ही ले रहे हैं, जो कि पूरे पैसे ले रहे हैं 1100 कंपनी का डलवा रहे हैं। मैंने अंकल जी को आए, मेरे अंकल जी वो आप ही करोगे, तो अंकल जी मान गए, अच्छे अंकल जी हैं। तो वो गाइस सारी मार्केट ना टायरों की है, ये देखो सारी जो दुकानें हैं ना आगे तक पूरी मतलब टायरों की है, इसकी अगली वाली उसकी है, यहाँ पे टायर रिम मिल जाएंगे आपको। इससे अगली जो मार्केट है वो बाइक के सही करने की स्पेयर पार्ट्स की मार्केट है वो वाली, तो उसमें भी देखते हैं। मेरी जो रेस का वो है ना वायर, मतलब मैं रेस छोड़ देता हूँ तब भी कभी कभी ना हल्की सी जाती रहती है रेस उसमें, तो वहाँ भी चलना पड़ेगा क्योंकि रेस का तार डलवाने ज़रूरी है, कहीं पता लगे मैं किसी दिन रेड लाइट पर खड़ा हूँ और एक्टिवा आगे भाग गई है, किसी में ठुक गई है। अभी रिम वाली दुकान पर आए गाइस, आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, जो अगर टायर असली है नकली है कैसे पता करते, भाई ने मेरे को बताई है, अभी दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा टायर है ना, तो इनको ना ऐसे फाड़ के, ये ना अगर टायर घिस गया है उसी टायर में अगर थोड़ी सी कमी होती है, इनको ऐसे फाड़ के ये निशान बना देते हैं, इसलिए ना इनमें ना अभी तो मेरे घिस गए क्योंकि पुराना हो गया, यहाँ पर ना बीच में गिट्टी गिट्टी होती है यहाँ पर, तो उनसे पता किया करो, वो ना ऊपर उठी होती है। वहाँ पर देखो गाइस ये टीवी खड़ी है गाइस, RS मोटोस पे आए हैं क्योंकि तार इन्हीं पे मिलेगा, वो सिर्फ डालने का काम करते हैं, तो खरीद लेते पहले। और गाइस जो हायाबुसा आपने उस दिन देखी थी वो आज भी खड़ी है यहाँ पर, देख लो खुली पड़ी है सारी चीज़ों से, तो ऐसी खड़ी है, मेरे को तो लग रहा है ना ख़त्म खत्म हो गई है, कितनी धूल जम रखी है इस पर देखो। तो मैं इनका
थोड़े ना गंदे से हो रखे हैं, बाल बूल भी बढ़ गए हैं, देखा दिखाता हूँ, बहुत लंबे हो गए हैं। मैं इनका कटा लेता हूँ, बोरी शॉप पीछे। अभी ये बिफोर देख लो आप, आफ्टर देखना इसके बाद। गाइज बाल की गाइज, अब कुछ बाल कटवाने के बाद पीछे से ही देवाऊँगा। वैसे सही हो गया अब ना, पहले से तो बहुत बेहतर है। इस वाले भाई में काटते हैं, कभी फिर बनाऊँगा पूरी वीडियो ना। अभी मैंने कट नहीं है, और बाहर जाकर दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर गाना चल रहा है ना अभी। दुकान का 50 रुपये में अच्छे काट दिए भाई ने ना, सच्ची बता रहा हूँ। पिछली बार भी था, पर ये वाला बंदा नहीं था, ये इस वाले बंदे ने तगड़े काटे हैं भाई, नो डाउट कहना पड़ेगा। खुद ही देख लो आप, अच्छे नहीं लग रहे बाल नहीं। तो गाइस अभी ना ये व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, उसका रीज़न ये है क्योंकि ना गर्मी पड़ने लग गई है, देखो तो कहीं निकलने का मन नहीं करता, इसलिए ना बन नहीं रहे व्लॉग। तो अगर ये वाला अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तो सी यू देन गाइस एंड डोंट फॉरगेट आई लव यू। ये खड़ी अपनी रानी, और कैप अब मैं डिग्गी बना लूँ।